तो अब हम पहुंच गए अनाशक्ति आश्रम, तो गांधी आश्रम भी कहते हैं इसको। तो इस आश्रम के बारे में जानकारी है कि कब बना था, तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो गांधी जी यहाँ पे आए थे इस आश्रम में। इसके बारे में पूरी जानकारी है, कितना ऊंचा है और इसके लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और यहाँ से कितने दूर और स्थान है। शक्ति आश्रम वाला जो हिंदी में लिखा है, ये उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में, अगर आपको ये पढ़ना है तो ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। गांधी जी का स्मारक बनाए, तो उसकी जानकारी ये है कि किसने बनाया है और जो नाम है, शायद सन तो लिखा है, शायद 2009 में बनाया है, हाँ वो मिट गया है। और बाकी ये हैं गांधी जी के तीन मंदिर। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। तो ये अपना हिमालय दर्शन के लिए जगह बनी है, यहाँ से खड़े होके सामने जो है हिमालय के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी तो बादल लगे हैं सामने, तो अभी तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से आता है व्यू, तो अभी जो सामने जितने भी लगे हैं बादल वहाँ पे आता है, और बाकी कौन कौन से जहाँ से पीक दिखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको वैसे दिखा देता हूँ, अब आप स्टॉप करके जूम करके देख सकते हैं इसको। लकड़ी की हल्की हल्की खुशबू आ रही है कि जो वुडन वर्क किया है वो बहुत प्यारा किया है यहाँ पे। जो मेरे पीछे आश्रम देख रहे हैं, तो बहुत प्यारा आश्रम है। वैसे तो फोटो खींचना मना था, लेकिन ऊपर से लाइट भी नहीं है, अगर मैं वीडियो भी बनाता तो लाइट अंधेरा काफ़ी था, तो मैंने बनाया नहीं। और बहुत ही बढ़िया, एक तो लकड़ी की बहुत प्यारी महक आ रही थी इसमें, और ऊपर से गांधी जी की पूरी जीवन शैली दर्शाई है कि उन्होंने कैसे अपने कार्यक्रम किया, जब वो पैदा हुए उससे लेके उसके बाद जब वो जन आंदोलन बना और फिर वो आज़ादी के लिए लड़े, तो वहाँ से पूरी जो कहानी दर्शाई है यहाँ पे आएंगी। और फोटोग्राफ भी है काफ़ी, और लिखा भी है उसके बारे में, तो आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही गजब और सुंदर और बहुत ही बढ़िया ये आश्रम है। और हिमालय तो मैंने आपको सुबह दिखा दिया था, तो वैसे भी अभी यहाँ से बादल है तो अभी तो कुछ नहीं दिखेगा। और अब हम यहाँ से जाएंगे, कहीं लंच करेंगे और फिर उसके बाद वापस अपने होटल जाएंगे। आश्रम में जो लकड़ी का कारीगरी की रही है, लकड़ी का जो काम किया है, वो बहुत ही बेहतरीन काम किया है। पूरा नीचे फ्लोर से लेके जहाँ पे हम चल रहे हैं पूरा लकड़ी का है, और जो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा पूरी छत लकड़ी की है, सामने गेट, और लकड़ी की हल्की हल्की महक आ रही है। तो लकड़ियों का काम काफ़ी जगह आपने देखा होगा, घरों में रहता ही है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ की जो लकड़ी के काम की जो बात है वो कुछ अलग ही लग रही है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, कहीं भी आप जैसे घूमते हो, किसी भी जगह जा रहे हैं, कि जहाँ मैं आया स्पेशली वहाँ नहीं, कहीं भी जगह, तो आप कम से कम 1 या 2 दिन वहाँ घूमने के लिए रखें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है घूमने के लिए। तो आप अगर 1 दिन रखें, मतलब एटलीस्ट 2 दिन रखिए घूमने के लिए, क्योंकि 1 दिन में कुछ चीज़ें कवर नहीं हो पाती। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फेमस होती है वो तो आप घूम लेते हो, जो आपको पहले से पता होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है वहाँ जाके आपको पता होती है वहाँ के लोकल से जब आप पूछते हो। तो कोशिश करेंगे आप अगर 2 दिन रखेंगे या ज़्यादा दिन है तो फिर तो बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट 2 दिन रखेंगे तो अच्छे से घूम पाएंगे और काफ़ी चीज़ें, वैसी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे जो वहाँ के लोकलों को ज़्यादा पता है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी जो नेट में उतनी ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, और या गूगल में या कहीं भी आप सर्च करेंगे उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, तो इस वजह से। तो हम यहाँ फर्श में लेट गए हैं और बहुत ठंडक मिल रही है, बाहर धूप है उसमें गर्मी है, हवा तो ठंडी चल रही है लेकिन धूप में गर्मी है। और हमने थोड़ी देर पहले भी ट्रैकिंग भी करी है तो टी शर्ट भीग गई है हमारी, तो अभी इसमें लेटे हैं तो बहुत ठंडा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है?
मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। कितना? बहुत ज्यादा। और यहाँ पे जो टीन की शेड डाली है वो स्लांट करके डाली है, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ों में ऐसी डलती है क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वैसी डालेंगे लेंटर वाली या नॉर्मल तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, बर्फ़ नहीं पिघलेगी और बर्फ़ नीचे नहीं गिरेगी, तो इसलिए ऐसी छतें डाली जाती हैं। One pair of pants later. तो ये मार्केट से ऊपर को रोड निकल रही है सुमित्रानंदन पंत जी के आश्रम के लिए। पंडित सुमित्रानंदन पंत जी के संग्रहालय यानी म्यूजियम में हम पहुंच गए हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी सी देर में, क्योंकि कुछ सीढ़ियां चढ़ के आए हैं, थोड़ी सी सांस फूल रही है। ये पंडित सुमित्रानंदन पंत जी का है स्मारक। मेरा नाम जोगाराम है, मैं यहीं पर गाइड भी करता हूँ संग्रहालय में, चिल्ले टेगर में का भी। ये है पंत जी का ओरिजिनल है। कौन सा वाला? ये सामने। ये है सर, इसके मैनेजर थे तब जाकर पंत जी इस घर में पैदा हुए 20 मई 1900। जैसे ही पंत जी इस घर में पैदा हुए तो इनका माँ का देहांत इस घर में अच्छा हो गया था 6 घंटे के बाद पंत जी का पैदा होते हुए। तो पंत जी का लालन पोषण जो किया था इनकी बुआ ने किया था जी। जी पंत जी ने प्राइमरी की शिक्षा यही पहुँचा नहीं वरना पुलर स्कूल से किया था। एक दिन शिक्षा के लिए अल्मोड़ा चले गए थे। इलाहाबाद में इनका देहांत तो हुआ 28 दिसंबर 1977। मूल रूप से जो थे पंत जी के पिताजी अल्मोड़ा जिले के सुंदरापुर गाँव के रहने वाले थे। इस घर में पंत जी ने 1907 ईस्वी में 7 वर्ष की आयु से ही काव्य पाठ रचना लिखना शुरू किया था। पंत जी का प्रारंभिक नाम था गुसाई दत्त पंत जो इनके पिताजी ने दिया था। 1911 ईस्वी में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हुए अपना नाम सुमित्रानंद पंत रख लिया था। पंत जी ने अपनी शादी नहीं की थी, एक दत्तक पुत्री को गोद लिया था वृद्धावस्था और लड़की अभी जीवित हैं, वर्तमान समय दिल्ली रहते हैं। उनका नाम है श्रीमती सुनीता जोशी। पंत जी के पिताजी का नाम था श्री गंगाधर पंत, कौसानी टी स्टेट से मैनेजर थे चाय लगाने। अच्छा। ब्रिटिश शासनकाल में बंगला अंग्रेज ने इनके पिताजी को रहने के लिए। तो पंत जी ने 1950 से 1957 तक आकाशवाणी के हिंदी प्रश्नदाता के रूप में भी कार्य किया था। हिंदी साहित्य सर्जन के लिए इनको अनेक पुरस्कार मिले, जिसमें 1960 ईस्वी में कला और बुरा काम जो मुख्य भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पर मिला था। हिंदी छायावाद के 4 स्तंभ थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी इंदिरावादी, कवि तेरी मैडम हरिदी वर्मा, स्मृतानंद पंत जी। ये पंत जी की जन्मस्थली है। ये पंत जी का टेबुल टेबुल है, ये उनका परिचय, ये उनके वस्त्र, ये उनकी चेयर, ये विश्वविद्यालय उद्यम से है 4 फरवरी 1965। ये पंत जी को हिंदी साहित्य का सब पुस्तकालय से है। अच्छा। ये उनका बेड है, ये दादा सुखी से, ये पंत जी की बीमारी है, उनके चश्मा है। अच्छा, जो ऊपर है वो चश्मा है उनका? चश्मा पंत जी का ही है सर। अच्छा, ये उनकी पुस्तकें हैं सर? हाँ, ये उनकी लिखी हुई किताबें हैं। और कुछ उन्होंने पढ़ी होगी वो मैं लिखी थी उन्होंने। अच्छा। उनकी पंक्तियाँ लिखी हुई है। अच्छा। चोर द्रुम की मृद छाया दूर प्रति सैदी माया, बाले तेरे बाले जाल में पैसे उड़ जाते हैं लोचन। और एक लिखा था, बचपन में पैसे उड़े थे मैंने छुप छुप के, घने लहरे समझे बाप भरा है सिर पर देवी, मैंने तुम्हारा है सुनूंगी सिंगार, लोग चित्र सलम सी पंख को लड़ अब उड़ने को कुसमती घाती, यह है अल्मोड़ी का बसंत सुमित्रा नंदन पंत। डायमंड जुबली हॉस्टल अलीवरी सोसाइटी इलाहाबाद में शिक्षिका है, यहाँ चीफ गेस्ट के रूम में बैठे हुए हैं। इलाहाबाद में हमारी देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ पंत जी, उनके आगे बैठे हुए हैं मैत्री चरण गुप्त, इंदिरा गांधी मैडम जी की रेवती देवी, उमा शंकर दीक्षित, महादेवी वर्मा जी मैडम। देश के पहले महामहिम सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ पंत जी, उनके पीछे खड़े हैं राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के, डॉक्टर कर्ण सिंह के पिताजी जिन्होंने 370 धारा लगाई थी। अच्छा अच्छा। ये हैं अमिताभ बच्चन, इनकी माँ के जी बच्चन, पंत जी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अजिताभ,
इन्होंने इनका नाम इनकलाब बच्चन दिया था, तो पंत जी ने दिया इनका नाम अमिताभ बच्चन। डॉक्टर सुमित्रा नंदन पंत जी का पूरा संग्रहालय और जो जानकारी है हमने इनसे गाइड से जिसे ले ली और इनके मुख से ही आपको सुना दी, क्योंकि अगर इनसे पूछ के भी मैं आपको बताता तो मुझे इतनी सारी चीज़ें याद नहीं होती, तो जो उन्होंने बताई वही आपने सुन ली होगी। और बाकी ये सब उनकी किताबें, उन्होंने जो लिखी है, रचना करी है 40 से ज़्यादा, और कुछ जो उन्होंने पढ़ी है अपने शिक्षा के दौरान स्कूल में कॉलेज में, ठीक है, सब वही है, धरोधर वही है जो उनके सुनिधा। तो ये सुमित्रा नंदन पंती जी का घर है जहाँ उनका जन्म हुआ था, बाकी रिनोवेशन तो कर दिया है, तो अभी ये रिनोवेट हो रहा है घर जो उनका, क्योंकि पुराना हो गया कितने साल से, 100 साल से भी ऊपर का हो गया। तो इस कमरे में पैदा हुए थे। अच्छा, इस कमरे में पैदा हुए थे। हाँ, ये इनका बर्थ प्लेस है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ उनकी जन्म कुंडली भी लगी थी बाद में, और सामान भी लगेगा। अच्छा, जो लकड़ी का वो लगाया था इसके अंदर से उनका सामान जो पड़ा। अच्छा, तो ये पूरी था इनका घर और पूरा संग्रहालय जो हमने आपको दिखा दिया और सुना भी दिया। One pair of pants later. हम अपने पहुंच चुके हैं होटल वापस, 4:10 का समय हो चुका है और हमने लंच कोसानी में ही कर लिया था, तो और मैंने आपको लंच नहीं दिखाया उसका एक कारण है। तो एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जब भी आप कोसानी घूमने आएंगे तो जो आप अपने होटल में स्टे करेंगे कोशिश करना वहीं खाना, वहीं का खाना बढ़िया रहेगा, क्योंकि जहाँ हम रुके हैं उसका खाना तो बढ़िया है, तो उम्मीद है कि सारे होटल का खाना जहाँ भी आप रुकेंगे ठीक ही होगा। जो जो मार्केट का खाना है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो इस वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं। हमने थोड़ा ही खाया, मतलब क्योंकि हमने ऑर्डर कर लिया था, उतना ज़्यादा नहीं है टेस्टी, तो समझ गए होंगे आप। तो बाकी अभी चलते हैं। और One pair of pants later. शाम के बज रहे हैं 6, तो मैंने सोचा थोड़ा घूम आते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। तो जो हमारे केयर टेकर हैं जो इस रिजॉर्ट पे हम रुके हैं, तो मैं उनकी साइकिल लेके आ गया। जाएंगे और कल यहाँ से चेकआउट करेंगे और कल हम आगे को जाएंगे। तो आगे को अब हम जा रहे हैं बागेश्वर की तरफ, तो बागेश्वर में उससे पहले भी हम कुछ कुछ मंदिरों में जाएंगे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ओके, बाय, गुड नाइट, और कल करते हैं फिर आपसे मुलाकात। कल मैं वीडियो एंड करना ही भूल गया था रात में, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। नई वीडियो में फिर से करेंगे आपके साथ मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।